दादा थोड़ा आगे से। अरे आगे वाले तो आते नहीं। दादा थोड़ा आगे से क्लियर कर दो। ऐसे लग रहा है इन लोग का चल रहा है। बोलने का तो आते कर दो। नहीं है यार। साइड साइड हो जाओ। इन लोग का मीटिंग करवा दो अभी। ज़्यादा काम मत करना। थोड़ा आना करना भाई। करना Set the tone of things. आप सबका स्वागत है सबसे पहले ओके 102 नॉट आउट इस फिल्म के इस गाने के लॉन्च के लिए मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर मिस्टर विवेक कृष्णानी द मैनेजिंग डायरेक्टर सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट फिल्म्स. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर गाइस कम ऑन.
Hi, Vivek. Thank you so much. Welcome, welcome, welcome. Thank you. So, you know, it's very exciting because you, what made you say yes to 102 Not Out? Welcome, everybody. Firstly, when we heard the story from Umesh, we immediately kind of said that that's the film that we have to be a part of. At Sony, we've been kind of pursuing content that's not only kind of great content, but entertaining as well. And this film, along with what we've done with Badman, is one of those. This is particularly a special film because it talks about a father-son relationship, a parent-child relationship. And it's one of those unique films that you see almost once in a few years, which you can actually go with your family and watch. I'm particularly keen to kind of go and watch it with my mom, and my other family to kind of, to take them to the film as well. What also excited us about the fact, and the biggest thing about this film, is the fact that we've got legends like Amitji and Rishiji as part of this film. They're coming back together after 27 years. And let me tell you that this is the coolest, youngest father-son duo that you'll ever see on screen. So that's been our kind of reason why we've, been involved with this project. Fabulous. And you said that 27 years later, these legends are joining together. So that is something that I'd love for us to see. Maybe you want to watch the trailer? Yeah. We'd like to share the trailer with you. On this stage, congratulations. Hi, welcome. मुझे बताइएगा कि ये जो what we're most excited about, okay, the fans, you brought them together and thank you. वो actually मैंने नहीं किया है, frankly मैं बोल रहा हूँ, ये script इतना जोरदार था जो सौम्य भाई ने लिखा था. ये originally एक play के ऊपर based है, 102 Not Out, जो सौम्य जोशी ने ही लिखा था और direct भी किया था play, और बहुत ही बेहतरीन play उन्होंने लिखा और direct किया था. तो मैंने एक बार अभिषेक से बात की थी कि यार अभिषेक एक बार पापा से मिलना एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. जब भी हम लोग रिहर्सल कर रहे थे तभी से हमारे दिमाग में था कि ये बहुत ही यूनिवर्सल लोगों को अपील करे ऐसा सब्जेक्ट है, और ये कैरेक्टर्स अगर बच्चन साहब और चिंटू जी करें तो बहुत मज़ा आ जाएगा. तो मैंने अभिषेक से पहले बात की, अभिषेक ने छोटी सी 10 मिनट के लिए याद मिल सकेंगे ऐसा कुछ था, और मैं बच्चन साहब को मिलने गया. और पहले एक तो ड्रीम कम ट्रू जैसा होता है बच्चन साहब को मिलना, वही बहुत भाग्य की बात होती है. तो उनसे मिलने गया, थोड़ा नर्वस भी था, और मैंने उनको कहानी सुनाई, और कहानी ऑलमोस्ट मतलब मैं जो पहला हुक था कि बाप जो है वो अपने बेटे को वृद्धाश्रम भेजना चाह रहा है, वो हुक पे ही बच्चन साहब ने बोला मैं ये फिल्म कर रहा हूँ. सो इतना इंटरेस्टिंग था. मैंने बोला नहीं सर, लेकिन आगे तो सुनिए. बोला वो आगे आप राइटर के साथ आइए और मुझे सुना दीजिए, मैं ये फिल्म करना चाह रहा हूँ. फिर आगे हमारी जर्नी बढ़ी, और फिर बेटे के बारे में डिस्कशन हुआ कि कैसे करेंगे क्या करेंगे. तो चिंटू जी की बात निकली, तो बच्चन साहब ने बोला ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया अगर ऋषि जी करें, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जितनी भी फिल्में की हैं उसमें भाई के रोल या दोस्त के रोल किए हैं, नसीब, कुली, अमर अकबर, एंथनी, अजूबा, काफ़ी फिल्में उस तरह से. ये केमिस्ट्री फादर सन की बहुत खूब जमेगी. चिंटू जी के पास गया, और चिंटू के जी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब ये हुक आया चिंटू जी ने बोला ये मैं फिल्म कर रहा हूँ. तो ये बहुत ही एक्चुअली मेरे बहुत ही कहूँ ना कि बहुत भगवान मेरे पे मेहरबान है कि इतनी अच्छी खूबसूरत प्यारी जोड़ी मुझे मेरी फिल्म में काम करने के लिए आए और राजी हुए. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच. और आपके स्क्रिप्ट को बहुत बहुत शुक्रिया. फिर आज जिस कारण से हम मिले हैं वो है अ वेरी वेरी मैजिकल वर्ड, एंड दैट वर्ड यू गेव अस ऑन ट्विटर, एंड दैट वर्ड इज बडुम्बा. लेट्स से इट टुगेदर, 1 2 3 बडुम्बा. सो बडुम्बा के बारे में मुझे बताइए. ये फिल्म की जो शूटिंग थी उसका आखिरी दिन था जब हम लोग एक टेरिस पे शूट कर रहे थे. वहाँ बहुत उस दिन बारिश हो गई और हम लोगों को एक शेड के अंदर जाना पड़ा क्योंकि बारिश थी. और वहाँ पे बच्चन साहब को ये आइडिया आया कि यार मेरी और ऋषि जी की जो भी फिल्में जो हुई है उसमें काफ़ी ऐसे गाने हुए हैं जैसे चल चल मेरे भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ या लम्बू जी ठेंगू जी, इस तरह का एक गाना होना चाहिए. तो पहले मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि ऐसा करते कि वही गानों को लेके एक मेडली बनाए, पर बच्चन साहब केम अप विद आइडिया कि नहीं क्यों नहीं हम लोग फ्रेश गाना करें. चिंटू जी ने भी यही बात कही कि एक फ्रेश गाना करेंगे तो ये नया एक
ट्रेंड होगा और मज़ा आएगा। तो बच्चन, मैंने कहा कि बच्चन साहब इसमें फिल्म में तो गुंजाइश नहीं है, कैसे करेंगे? तो बच्चन साहब ने कहा कि मैं कंपोज करता हूँ गाना। मतलब क्या सर, आप कंपोज करेंगे? वाह! तो वो इतना बड़ा ये हो गया कि यार कमाल है, मतलब इतना डेडिकेशन, पैशन, और फिल्म में थ्रू आउट वो रहे थे तो उनको ये पूरा सब्जेक्ट इतना अंदर था कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन गाना उन्होंने कंपोज किया, खुद गाया भी और चिंटू जी से भी गवाया। सो एक बहुत मज़े की बात है। और इसका मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सर की पैशन के बारे में, दिन भर ये शूटिंग करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, कितना भी करेंगे, रात को रोज़ वो 11 बजे वो स्टूडियो पे जाते थे और सुबह 4-5 बजे तक वो स्टूडियो में ही रहते थे और ये गाना कंपोज करते थे। सो ये इतनी बड़ी बात है कि मतलब कभी कभी मैं बोलता था सर मैं आज नहीं आ रहा हूँ, आप जाओगे? हाँ, तुम घर पे रहो, मैं आपको सुना दूंगा सुबह। मतलब इतना डेडिकेशन और पैशन देखा है इन लोगों में, मतलब बहुत सीखने मिला है फिल्म से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच महेश जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द स्टेज। ऑफ कोर्स यहाँ पर तो मैं इनको बुलाना चाहूंगी बिकॉज देयर इन नो सॉन्ग ओके दैट इज विदाउट अ डांस। गणेश आचार्य साहब प्लीज आइए मंच पर, गिव हिम अ बिग बिग रोलिंग वेलकम गाइस, कम ऑन। हाय, दिस सॉन्ग मैंने सिर्फ टीजर देखा है अब तक और इस टीजर ने आग लगा दी है पूरे शहर में, ओके पूरे हिंदुस्तान में, लोग एक्चुअली आउटसाइड ऑफ हिंदुस्तान ऑल्सो, अगर आप ट्विटर पर पूछेंगे तो केवल इस टीजर के स्टेप को लेकर आई हैड पीपल कॉलिंग मी। सुबह को आज रेडियो शो पर लोगों ने मुझे फ़ोन किया कहते हुए कि हैव यू डन द बटुम्बा स्टेप। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी गणेश जी, हाउ इज़ इट कोरियोग्राफिंग दीज लेजेंड्स टुगेदर? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मैं अमित जी और ऋषि जी के साथ गाना किया है मैंने ये, और मैंने उनके साथ एज ए ग्रुप डांसर पीछे बैकग्राउंड में काम किया हूँ और उनको ये गाना मैंने कोरियोग्राफ किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये गाना बहुत ही सिंपल है, सिंपल से स्टेप्स है और इतने सिंपल रखे कि हर कोई बच्चे से ले कर बूढ़े से इंसान उसको कॉपी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बोलने से अच्छा कि ये गाना आपको दिखाऊँ, आप गाना देखिए तो आपको पता चले। बिल्कुल। Are you guys ready to watch Badumba? This song finally. All right, जोरदार तालियों के साथ और सीटियां रुकनी नहीं चाहिए। Let's watch Badumba. Badumba, Badumba. दिल से अपना रिएक्शन हमें दें। Okay, so put your hands together, scream and shout. And of course, the moment that we've been waiting for, एक मंच पर 27 साल बाद, ladies and gentlemen. एक ही स्क्रीन पर नाचते हुए गाते हुए इस बार बडुम्बा करते हुए मिस्टर बच्चन एंड मिस्टर कपूर। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। ओके, आप सब की तरफ से, आप सब की तरफ से आई एम गोइंग टू डू दिस। अरे दैट वाज फन। कुड यू प्लीज हैंड ओवर माइक टू मिस्टर बच्चन? या ही इज गॉट अ लेपल, दैट्स ग्रेट। फर्स्टली हम सब की तरफ से, मीडिया वाले एंड माय ईएफ राइट देयर बैक, दिस इज फॉर यू फ्रॉम ऑल ऑफ हिंदुस्तान। Mr. P, I'm going to ask you this question sabse pehle. A man who is 102 years old, okay? A few of us, hum dekh rahe the, humne kaha humse ho payega, nahi ho payega. What's the secret to staying that youthful? Abhi 102 ke to hue nahi hai. Aapne kaha 102, wo film mein 102 varsh ka hai. But hame laga ki ek achha sa gana hona chahiye. Ji haan. Aur jaise ki Umesh ji ne kaha, कि एक हैप्पी सॉन्ग हम दोनों के बीच में होना चाहिए और उसी समय इसको कंपोज किया और कर दिया। बड़ी मुश्किल हुई, ये भाई साहब जो है छोड़ते नहीं कि और कष्ट हुआ, लेकिन अब जनता के सामने रख दिया, देखें क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बिग हैंड वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू।
Mr. Kapoor, of course, I want to ask you this question, which is, aapne ek baar ek interview mein kaha tha, you have some of the best songs that Hindi cinema has with you on the screen. Aapne ek baar kaha tha ki lip syncing jo hai, wo aapko thoda sa, you know, you used to find that challenging. How challenging was it to actually sing for the very first time? Ek to ye thoda underplay kar rahe hain, ji, as usual. Aapko pata hai ki ye inhone jaise Umesh ne kaha ki gana पूरा इन्होंने बैठाया बैठाया मतलब उन्होंने कंपोज किया है, म्यूजिक अरेंज किया है, और अभी भी जब हम देख रहे थे तो इमीडिएटली वो उन्होंने डाटा डायरेक्टर को कि भाई देखो वो म्यूजिक में वो इंस्ट्रूमेंट नहीं आया, ये नहीं आया. सो दिस शोज हिज पैशन, दिस शोज हिज आदमी की अभी भी वो छोड़ नहीं रहे थे गाने को. तो मुझे खुशी इस बात की है कि मैं भी इनके साथ, मैंने मेरी जुर्रत के मैं इनके साथ गाना गाया, मैंने गाया है. बट आई इमेंसली एंजॉयड इट एंड आई presume that you will also like, we have seen the song, they will all like it. Thank you so much. A big hand, ladies and gentlemen. Please put your hands together for the word of the day, which is Badumba. All right, ab main bulana chahungi is manch par Umesh ji, Vivek ji, and Jimit. Could you please join us on the stage? Hi, welcome. Soumya, could I please request you to join us on the stage? जिसका मुझे था इंतजार. लेडीज एंड जेंटलमैन, कुड वी प्लीज हैव द क्यू एंड ए फ्रॉम द ऑडियंस, फ्रॉम द मीडिया मेंबर्स टू बिगिन आफ्टर अ सेकंड ऑफ फोटोग्राफ्स प्लीज. चेक चेक हां अमित जी, एक दो मूवमेंट था वो ठीक से डाला नहीं है. बच्चन साहब, कपूर साहब, बहुत बेहतरीन सा गाना है एंड मजा आ गया देख करके. मेरा नाम आलोक है. जी जी सर, सवाल है कि पहली दफे कब आपने बडुम्बा लिखा था, कुछ याद आता है आज के दिन? मुझे पूछ रहे हैं? जी सर. जी जी, ये बस ऐसे ही मन में आ गया शब्द. कभी उल्लास हुआ, कभी किसी ने कुछ अच्छी बात की, या कुछ भारत ने मैच जीत लिया, क्रिकेट गेम जीत, तो ऐसा लगा कि ये एक शब्द बस ऐसे ही मुंह से अनचित ही निकल गया. बार बार मैं डालता गया इसी तरह. कपूर साहब, आपसे सवाल है कि अलग अलग फंक्शन में या अलग अलग इवेंट्स पे तो आप मिलते हैं. माइक, हाँ सर, माइक की आवाज नहीं आ रही है. ये आ रही है, ये सही है. तो जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे ही कभी कभी खुशी का मौका हो या कुछ. कई बार मैं जानना चाह रहा था कि ये जब खुशी होती है तो बहुत से लोग लिखते हैं ये वर्ड कहाँ से आया, अभी कोई बता नहीं पाया मुझे, या वाव, ये वाव वर्ड भी कैसे बना. तो मैंने सोचा कि एक अपना ही शब्द बना देते हैं बडुम्बा, आइंदा यही इस्तेमाल होगा. कपूर साहब, आपसे सवाल है कि अलग अलग फंक्शन इवेंट्स पे तो मुलाकात होती होगी, पारिवारिक रिश्ते भी हैं, जब इस बार 102 के लिए मुलाकात हुई सेट पर तो वो क्या माहौल था, थोड़ा वो हमसे शेयर करें. हमने साथ में काम किया 27 साल के बाद, और ऐसा कभी ऐसा एक पल भी नहीं था, ऐसा क्षण एक भी नहीं था जो कि लगा कि 27 साल बाद हम काम कर रहे हैं. जब हमने रिहर्सल किया तो जो वो कड़ी थी वो उस वक्त ही जुड़ गई, और ऐसा लगा कि हम कभी बिछड़े नहीं थे, बस हम काम करते ही रहे. आज इस बात को मैं बहुत फख्र से कहना चाहता हूँ कि मैं इनके साथ 44 साल से काम कर रहा हूँ. 44 years back हमने पहली बार काम किया था कभी कभी में, जो आप शायद भूल गई थी मैडम बोलना, वो एक्चुअली हमारी पहली फिल्म थी, और आखिरी फिल्म जो थी वो अजूबा थी, और अब हम ये फिल्म 102 नॉट आउट आपके सामने ला रहे हैं. उमेश जी, जैसे उन्होंने कहा कि ये शब्द जो बादुम्बा के आप कह रहे थे, तो ये वैसे ही वाली बात है कि याहू जो इतना पॉपुलर हो गया, तो याहू का मतलब क्या है? तो इट्स वन ऑफ द एक्सप्रेशंस, एक वो एक एक्सप्रेशन है ऑफ joy of celebration. तो जैसे कि आपने देखा वैसे, that is what it is. उमेश जी, कहानी के बारे में तो आपने जिक्र किया जब आप बच्चन साहब को सुनाने गए या कपूर साहब को, लेकिन डायरेक्शन के दौरान कभी कोई प्रेशर लगा? नहीं, प्रेशर नहीं लगा, क्योंकि ये दोनों का जो तजुर्बा था वो मुझे काम आया. इनफैक्ट दे मेड मी सो कम्फर्टेबल ऑन द फर्स्ट डे ओनली, कि ऐसा कभी उन्होंने महसूस नहीं करने दिया कि यार हमने इतनी फिल्में की है, आप पहली बार हो, ऐसा कभी नहीं जाता है. इनफैक्ट हम लोग ने काफ़ी हंसते खेलते पूरी फिल्म फिनिश की है. यस,
मिस्टर विवेक, आजकल चाइना में, रशिया में फिल्म रिलीज करने का काफ़ी दौर चल रहा है, किस तरीके से इस फिल्म को आप वहाँ ले जाएंगे या ले जाने का प्लान है? डेफिनेटली प्लान है हमारा, कोशिश अभी ऑलरेडी शुरू कर दी है हमने. वी बिलीव दैट ये जो सब्जेक्ट है इट इज़ एब्सोल्युटली एप्ट फॉर ऑडियंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड विथ वॉट चाइना इज काइंड ऑफ डूइंग एज फार एज द एक्सेप्टेंस ऑफ हिंदी मूवीज दैट इज देयर राइट नाउ, वी डेफिनेटली बिलीव दैट there's an audience for this film there as well, and we've already started our efforts in that direction. And not only China, whether it's other markets like Japan, Korea, and other Asian markets where the sensibility of father-son relationships is as strong as this, we are kind of looking at going there in a big way. We have a Chinaman in the film also, who is actually the influence of the film. Yeah, that's right. But you have,